बोकार्डिया सर जी का पूरा नाम कस्तूर चंद बोकार्डिया है। इनका जन्म 10 फरवरी सन 1949 को जयपुर राजस्थान में हुआ। इनके डायरेक्शन में बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी सन 1972 में, जिसका नाम था रिवाज। इसको केसी बोकार्डिया सर जी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें संजीव कुमार, माला सिन्हा, फरीदा जलाल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख था। इस मूवी ने 1,10,00,000 की कमाई की और एवरेज रही। अगली मूवी सन 1985 में आई थी तेरी मेहरबानियाँ। इसको केसी बोकार्डिया सर जी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, राज किरण, अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट 50 लाख था। इस मूवी ने 4,20,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली मूवी 1985 में आई थी, इसको भी प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया जी ने। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, डैनी और बिंदु थे। इस मूवी का बजट था 60 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी 9 करोड़ रुपए की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली मूवी 1986 में आई थी नसीब अपना अपना। इसको भी प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया जी ने। इसमें ऋषि कपूर, फराना, सीमा देव, अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट 50 लाख था। इस मूवी ने 3,50,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1987 में आई थी जवाब हम देंगे। इसको प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया ने। इसमें जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। इस मूवी ने 2,68,00,000 की कमाई की और सेमी हिट रही। अगली मूवी 1987 में आई थी कुदरत का कानून। इसको डायरेक्ट किया था केसी बोकार्डिया जी ने। इसमें जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, चरण राज प्राण थे। इस मूवी का बजट 90 लाख था। इस मूवी ने 3,20,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली 1988 में आई थी कब तक चुप रहूंगी। इसको केसी बोकार्डिया जी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें आमला, आदित्य पंचोली, किरण कुमार थे। इस मूवी का बजट 60 लाख था। इस मूवी ने 80 लाख की कमाई की और फ्लॉप रही। अगली 1988 में आई थी गंगा तेरे देश में। इसको प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया जी ने। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जयाप्रदा, डिंपल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। इस मूवी ने 3,50,00,000 की कमाई की और फ्लॉप रही। अगली 1989 में आई थी मैं तेरा दुश्मन। इसको भी प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया ने। इसमें जैकी श्रॉफ, जयाप्रदा, श्रीदेवी, अनुपम खेर थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 था। इस मूवी ने 2 करोड़ की कमाई की और एवरेज साबित हुई। अगली 1990 में आई थी आज का अर्जुन। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर केसी बोकार्डिया थे। इसमें अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। इस मूवी ने 14,35,00,000 की कमाई की और सुपरहिट रही। अगली 1991 में आई थी फूल बने अंगारे। इसको भी प्रोड्यूसर और डायरेक्शन केसी बोकार्डिया का था। इसमें रजनीकांत, रेखा, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 था। इस मूवी ने 6,50,00,000 की कमाई की और हिट रही। अगली 1992 में आई थी पुलिस और मुजरिम। इसका भी प्रोडक्शन डायरेक्शन केसी बोकार्डिया ने किया था। इसमें राजकुमार, विनोद खन्ना, मीनाक्षी शादी थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 3,90,00,000 की कमाई की और एवरेज रही। अगली मूवी आई थी सन 1992 में मेरे सजना साथ निभाना। इसको प्रोड्यूस किया था केसी बोकार्डिया ने। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, प्रेम चोपड़ा थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 3,55,00,000 की कमाई की और सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी सन 1992 में त्यागी। इसको डायरेक्ट किया था केसी बोकार्डिया ने। इसमें रजनीकांत, जयाप्रदा, भाग्यश्री, हिमालय थे। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। इस मूवी ने 1,75,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी सन 1993 में आई थी इंसानियत के देवता। इसको केसी बोकार्डिया ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजकुमार, विनोद खन्ना, जयाप्रदा, मनीषा कोइराला थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। इस मूवी ने 2,20,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी सन 1997 में आई थी कुंदन। इसका डायरेक्शन केसी बोकार्डिया ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, जयाप्रदा, फरहनाज, अमरीश पुरी थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 था। इस मूवी ने 3,10,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी सन 1993 में आई थी शक्तिमान। इसके राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे केसी बोकार्डिया। इसमें अजय देवगन, करिश्मा कपूर, मुकेश खन्ना थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। इस मूवी ने 6,15,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली मूवी सन 1993 में आई थी दिल है बेताब। इसका डायरेक्शन केसी बोकार्डिया ने किया था। इसमें अजय देवगन, विवेक मिश्रान, प्रतिभा सिन्हा थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। इस मूवी ने 1,85,00,000 की कमाई की और डिजास्टर रही। अगली मूवी 1993 में आई थी तहकीकात। इसका भी डायरेक्शन केसी बोकार्डिया जी ने किया था। इसमें जितेंद्र, आदित्य पंचोली, संगीता बिलानी, डैनी थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 था। इस मूवी ने 1,51,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1994 में आई थी मोहब्बत की आर्जू। इसके डायरेक्शन केसी बोकार्डिया जी ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, अश्विनी भावे, जेबा बख्तियार थे। इस मूवी का बजट 1,15,00,000 था। इस मूवी ने 1 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली 1994 में आई थी जनता की अदालत। इसके प्रोड्यूसर केसी बोकार्डिया थे। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, मधु, सदाशिव उमरापुरकर थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। इस मूवी ने 3,09,00,000 की कमाई की और फ्लॉप रही। अगली 1995 में आई थी मैदानी जंग। इसका डायरेक्शन केसी बोकार्डिया ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, जयप्रदा, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर थे। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 था। इस मूवी ने 4,21,00,000 की कमाई की और फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1994 में जख्मी सिपाही।
इसका प्रोडक्शन केसी बोकाडिया ने किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, ऋतु अर्पणा गुप्ता थी। इस मूवी का बजट 1.75 करोड़ था। इस मूवी 2.49 करोड़ की कमाई की फ्लॉप रही। अगली मूवी सन 1996 में आई थी मुकदमा। ये केसी बोकाडिया ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें विनोद खन्ना, आदित्य पंचोली थे। इस मूवी का बजट था 2.25 करोड़ रुपए। इस मूवी ने 3.11 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1998 में हिटलर। इस मूवी का प्रोडक्शन केसी बोकाडिया जी ने किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, जॉनी लीवर थे। इस मूवी का बजट 2.25 करोड़ था। इस मूवी ने 3.36 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1998 में जुल्मो सितम। इसके राइटर और डायरेक्टर केसी बोकाडिया थे। इसमें अर्जुन सरजा, मधु, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। इस मूवी ने 2.65 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1999 में आई थी लाल बादशाह। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाडिया थे। इसमें अमिताभ बच्चन, मनीषा कोराल, शिल्पा शेट्टी थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ था। इस मूवी ने 13.12 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2000 में सुल्तान। इसके प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया थे। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश, ऋषि, रजा मुराद थे। इस मूवी का बजट 1.50 करोड़ था। इस मूवी ने 3.38 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 2001 में आई थी प्यार जिंदगी है। इसके प्रोडक्शन केसी बोकाडिया जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मोनीश बहल, अमित शाह भल्ला थी। इस मूवी का बजट 55 लाख था। इस मूवी ने 11 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम। इसके प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया थे। इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अतुल अग्निहोत्री थे। इस मूवी का बजट 12 करोड़ था। इस मूवी ने 14 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2004 में मवाली नंबर 1। इसका प्रोडक्शन केसी बोकाडिया जी ने किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, सदाशिव अमरापुरकर थे। इस मूवी का बजट 2.50 करोड़ था। इस मूवी ने 1 करोड़ की कमाई की और डिजास्टर रही। अगली मूवी 2006 में आई थी बोल्ड। इसका डायरेक्शन केसी बोकाडिया ने किया था। इसमें देवगिल, तन्वी वर्मा, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट 50 लाख था। इस मूवी ने 74 लाख की कमाई की और डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2010 में खुदा कसम। इसका डायरेक्शन केसी बोकाडिया ने किया था। इसमें सनी देओल, तब्बू, फरीदा जलाल, बीना बनर्जी लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। इस मूवी ने कमाई की 1.04 करोड़ की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2013 में आई थी दीवाना में दीवाना। इसका डायरेक्शन केसी बोकाडिया जी ने किया था। इसमें गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा, कादर खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। इस मूवी ने कमाई की 44 लाख की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2015 में जिसका नाम था डर्टी पॉलिटिक्स। इसका डायरेक्शन केसी बोकाडिया ने किया था। इसमें मल्लिका शेरावत, जैकी श्रॉफ, ओम पुरी, आशुतोष राणा थे। इस मूवी का बजट 11 करोड़ था। इस मूवी ने 6.22 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 2019 में आई थी रॉकी द रिवेंज। ये तमिल भाषा की मूवी था। इसका डायरेक्शन केसी बोकाडिया ने किया था। ये पहली बार इन्होंने तमिल मूवी का डायरेक्शन किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।